हाय डियर, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द फेजर कोर्स। दिस इज़ लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम देखेंगे स्टेट्स और सीन्स क्या होते हैं, किस तरह हम सीन्स क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह हम डिफरेंट सीन्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं सीन्स वगैरह में, किस तरह हम स्टेट्स जो है मैनेज कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक सीन से दूसरे सीन में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सीन? सीन क्या है कि कोई भी एक डिफरेंट डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ योर गेम। ठीक है, सो सच एज अ मेन मेन्यू, लेवल और द गेम ओवर स्क्रीन, लोडिंग स्क्रीन। ठीक है, सो ये एक डिफरेंट जो ग्राफिकली थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है, सो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो एक सीन बन सकता है। ठीक है, हर सीन जो है ना वो टोटली डिपेंड करता है कि डिवेल्पर्स पे किस तरह आप उसको चाहते हैं उस सीन्स को बनाना। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल कितने सीन्स बनाना, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक गेम बना रहा हूँ, तो मैं इसके अगर 5 सीन बनाता हूँ, तो पॉसिबल है कि आप उसके 2 सीन बनाएं या आप एक ही सीन में सारा काम कर दें। ठीक है, सो मेन टारगेट ये होता है कि हम अपने कोड को ज़्यादा चंक्स वगैरह में डिवाइड करें, ताकि वो मैनेजेबल हो, फ्यूचर में जब भी मुझे कोई चेंज करनी हो, उसको मेंटेन करना हो, जब भी कोई इशू आए, तो मुझे वो पता होगी कि कौन से पार्ट के अंदर इशू आ रहा है गेम के। ठीक है, सो अगर मैंने उसको डिफरेंट सीन्स में डिवाइड किया होगा, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया होगा, मुझे पता होगा ये इस हिस्से में जो है वो इशू आ रहा है, तो उसके लिए वो मुझे मैनेज करना जो ईजी हो जाएगा। ठीक है, सो हर जो सीन होता है ना, उसमें 3 फंक्शंस जो हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जो फेजर की तरफ से कॉल आउट होते हैं, रीलोड का फंक्शन, क्रिएट का फंक्शन और अपलोड का फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसिक्स जो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, फ्लैपी बर्ड गेम। ठीक है, तो मैं इस गेम को डिफरेंट 3 सीन्स में डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास होगा मेन मेन्यू सीन। ठीक है, जिस जगह पे मैं क्रिएट वगैरह का, स्कोर वगैरह का जो है वो बटन शो करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद गेट रेडी का एक सीन मैं बना सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो एक्चुअल गेम है उसका मैं एक अलग से सीन बना सकता हूँ। ठीक है, और एट द एंड जो गेम ओवर है, उस गेम ओवर स्क्रीन है, उसको भी मैं सेपरेट सीन भी बना सकता हूँ। इसी सीन के ऊपर भी मैं लास्ट वाले सीन के अंदर भी मैं गेम ओवर जो वो शो करवा सकता हूँ। ठीक है, सो इट टोटली डिपेंड अपॉन द डेवलपर, हाउ डू यू वांट। ठीक है, सो उसके बाद हमारे पास है स्टेट्स। स्टेट क्या होती हैं? स्टेट बेसिकली हमारे पास जो डाटा है, वेरिएबल्स हैं, जो भी किसी एक करंट सीन के, किसी पूरी गेम के। ठीक है, सो वो बेसिकली हमारे पास क्या होती है? स्टेट होती है। ठीक है, सो स्टेट्स कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक प्लेयर की पोजीशन क्या है, गेम प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, सो कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, सो हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह हम डाटे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी एक सीन से किसी दूसरे सीन में। ठीक है, जब हमारे पास मल्टीपल सीन्स बनाते हैं ना हम, ठीक है, तो में कॉमन इशू तो ये आता है, या कॉमन एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि यार मैंने एक सीन से दूसरे सीन में डाटा पास करना है। ठीक है, सो वो हम किस तरह कर सकते हैं? ठीक है, सो वो हम देखेंगे। सो ट्रांजिशन ऑफ द डाटा फ्रॉम वन सीन टू अनदर। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास गेम है फ्लैपी बर्ड। ठीक है, तो इसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो गेम ओवर सीन है, इसके ऊपर मैं स्कोर शो करवाऊँ। ठीक है, सो जितना स्कोर यूज़र ने अभी अचीव किया है। ठीक है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सीन से डाटा को पास करके दूसरे सीन में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये काम भी हम कर सकते हैं यूजिंग फेजर। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट इन कोड। सो ये हमारा प्रीवियस कोड है, जिसमें हमने देखा था कि हम किस तरह डिफरेंट जो है वो सीन्स वगैरह, डिफरेंट चीज़ें लोड कर सकते हैं। ठीक है, सो जिसमें हमने स्प्राइट शीट वगैरह, टेक्सचर एटलिस्ट वगैरह उनको यूज़ किया था, उनको लोड किया था। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह डिफरेंट सीन्स बना सकते हैं। ठीक है, अपने कोड को मैनेजेबल बना सकते हैं, ताकि कोई बड़ी गेम है तो उसके लिए हमारा कोड जो है वो हमें ईजी हो अंडरस्टैंड करना काफ़ी टाइम के बाद। ठीक है, सो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि सोर्स के फोल्डर के अंदर एक फंक्शन बना देना है। ठीक है, सीन्स के नेम सा। ठीक है, जिसमें हम अपने सारे सीन्स जो है वो रखेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं 2-3 सीन बना रहा हूँ, ताकि हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें, देख सकें किस तरह हम ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाता हूँ लोडिंग सीन। ठीक है, लोडिंग सीन डॉट जी एस। ठीक है, उसके बाद एक मैं बनाता हूँ अपना मेन सीन। ठीक है, मेन सीन डॉट जी एस। ठीक है, उसके बाद मैं एक बनाता हूँ गेम सीन डॉट जी एस। ओके राइट, सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इन सीन्स को जो है ना वो मैं यूज़ करूँ, एक सीन के बाद दूसरे सीन को कॉल आउट करूँ। ठीक है, तो वो चीज़ें हम देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फेजर को इम्पोर्ट करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास। ठीक है, लोडिंग एक्सपेंस। ठीक है, फेजर डॉट सीन। ठीक है, कंस्ट्रक्टर है हमारे पास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें सुपर को कॉल करना है। ठीक है, और सुपर के अंदर हमें क्या पास करना है, की पास करनी है। की जो है वो हर सीन की यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, सो
बेहतर यही है कि जो आपकी सीन का नेम है वही आप की रखें, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें तीन बेसिक फंक्शन हैं, ठीक है, प्रीलोड का फंक्शन, ठीक है, इनको हम बस ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो क्रिएट का फंक्शन, ठीक है, और देन अपडेट का फंक्शन, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इनको कॉपी करना है, ठीक है। सो दूसरे सीन्स में भी सेम कंट्रोल सी पेस्ट कर देना, ठीक है। इसको मुझे गेम सीन, ठीक है, मेरा गेम सीन है, उसके बाद ये मेरा मेन सीन है, ठीक है। सो मेन सीन, ओके, राइट। अब हम जो जितना काम लोडिंग का कर रहे थे, प्री लोड का, ठीक है, सो वो काम मैं सारा अपना लोडिंग स्क्रीन में ले जाऊंगा, ठीक है। तो लोडिंग के जो है वो प्री लोड फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। सो अगर आप ये चाह रहे हैं कि कुछ डाटा आपका किसी सीन के अंदर लोड होना चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है वो अपलोड करना चाह रहे हैं अपनी गेम सीन के अंदर, ठीक है, तो आप इधर भी उस चीज़ को लोड कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर कोई चीज़ आप ओवरऑल लोड करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ भी आप इस जगह पर कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ होगी, हमने अब लोड कर लिया सारा डाटा, ठीक है। सो अब उसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये जो है वो ये लोडिंग का टेक्स्ट जो है वो शो हो जाए, ठीक है। सो ये क्या हो गया, लोडिंग का टेक्स्ट भी जो है वो मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। सो ये जब लोडिंग हो रही होगी, ठीक है, तो ये टेक्स्ट जो है ये शो होगा, ठीक है। सो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो है ना वो नीचे एक रेक्टेंगल भी शो हो, जिसमें शो हो रहा हो कि कितने परसेंटेज लोडिंग हो गई है, ठीक है। सो वो चीज़ भी हम देखते हैं अभी किस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद ये जितना भी हमारा एनिमेशन क्रिएशन है ना, ये सारी चीज़ें भी हम अभी के लिए, ये हम सारा जो जितना क्रिएट का फंक्शन था ना हमारा, ठीक है, उस सारे को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, उसको मैं ले जाता हूँ गेम सीन के अंदर, ठीक है, इस जगह पर मैं ले गया, इधर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास था दो वेरिएबल्स थे, ठीक है, so this dot player is equal to null and this dot bird is equal to null, okay, right। so अब ये हो गया हमारे पास काम, ठीक है। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मेन सीन के अंदर, ओके। सो इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल गेम सीन के अंदर ये जब सारी चीज़ें लोड हो जाएंगी तो ये मेरे सारे लोड की चीज़ें हैं, ठीक है, इमेजेज हैं, स्प्राइट शीट्स हैं, टेक्सचर एटलिस्ट है, ठीक है। जब ये सारा लोड हो जाए, क्रिएट का फंक्शन कॉल होगा, तो इसके अंदर मैं कर दूंगा दिस डॉट सीन डॉट स्टार्ट, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शन हैं, ऐड करने के, गेट करने के, किसी भी सीन का चेक करने का, ये पॉज है, एक्टिव है, कौन सा सीन अभी चल रहा है, ठीक है। सो रीस्टार्ट करने का, उसको पॉज करने का, रिमूव करने का, रिज्यूम करने का, ठीक है, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। सो ये सारे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वो क्या करेगा, इस सीन को इनविजिबल कर देगा, पॉज कर देगा, और इसके ऊपर दूसरे सीन को शो करवा देगा, ठीक है। उस सीन का हमने इधर क्या पास करनी है, हमने की पास करनी है, ठीक है। सो की मैंने पास कर दी मेन सीन, तो वो अब क्या करेगा, मेन सीन को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब मेन सीन के अंदर मुझे क्या करना है, कोई टेक्स वगैरह शो करवाना है, ठीक है, तो उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस टेक्स को, ठीक है। इसके प्रीलोड में मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, इस जगह पे मुझे एक टेक्स ऐड करना है, ठीक है, सेंटर में मे बी, ठीक है, मैं इधर कह देता हूँ माई गेम, ठीक है, और इसको 200 पे, ठीक है। उसके बाद मुझे एक बटन ऐड करना है, जिस बटन के ऊपर जब यूज़र क्लिक करे तो गेम जो है वो स्टार्ट हो जाए, यानी गेम सीन में वो चला जाए, ठीक है। सो उसके लिए मैं कहता हूँ लेट बटन इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू अभी टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बटन ही हम लगा देते हैं, ठीक है। सो आप इधर कोई स्प्राइट, कोई इमेज वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूँ इसको 350 पे शो करवा दो, ठीक है, और इस जगह पे प्ले, ओके। सो इसका साइज़ मैं बड़ा कर देता हूँ 560, ठीक है, ये मेरे पास हो गया 32, इसको हम 30 कर देते हैं, ओके। तो ये चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। अब ये इवेंट्स वाली वीडियो जो है लेक्चर नंबर आई थिंक 4 और 5, ठीक है, उसमें हमने देखा था कि किस तरह हम किसी भी चीज़ को उसके ऊपर इवेंट्स लगा सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सेट इंटरेक्टिव करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, बटन डॉट ऑन, ठीक है, तो पॉइंटर डाउन, ठीक है, जिस तरह पॉइंटर डाउन हो तो वो क्या करें, दिस डॉट सीन डॉट, एक हमारे पास होता है स्टार्ट का फंक्शन, दूसरा हमारे पास एक होता है लॉन्च का फंक्शन, सॉरी सीन डॉट लॉन्च, ठीक है। सो लॉन्च और जो स्टार्ट है ना, ये बेसिकली दोनों सेम वर्क करते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम स्टार्ट यूज़ करेंगे ना, तो वो नए सीन को शो तो करवाएगा, लेकिन वो प्रीवियस सीन को इनविजिबल नहीं करेगा, ठीक है, पास तो कर देगा लेकिन इनविजिबल नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह जब दूसरा हमारे पास होता है स्टार्ट का फंक्शन, तो वो क्या करेगा,
जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो प्रीवियस फंक्शन प्रीवियस सीन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, उसको इनविजिबल कर देगा और ऐसे लगेगा कि एक नया सीन उसके ऊपर आ गया। ठीक है, सो ये चीज़ होती है जब हम लॉन्च करते हैं तो वो क्या करता है, नए वाले सीन को उसके ऊपर शो करवा देता है और प्रीवियस सीन को वहीं पर रहने देता है। ठीक है, वो चलता रहता है और उसके ऊपर एक नया सीन जो है वो शो हो जाता है। ठीक है, सो अभी हमें यूज़ करना है स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, सीन पास कर देना। ओके राइट, सो ये हो गया हमारे पास काम। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है कि अपना लोडिंग का सारा काम हमने क्या कर दिया, लोडिंग सीन के अंदर कर दिया, उसके अंदर हम सारा अपना लोड डाटे को लोड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है गेम सीन। ठीक है, गेम सीन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपना क्रिएट कर रहे हैं एनिमेशंस वगैरह और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मेन के अंदर। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ठीक है, सो इसमें मुझे क्या करना है, इस चीज़ को रिमूव कर देना है और इस जगह मुझे अपने सारे सीन्स जो हैं वो ऐड कर देने। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐड करूँगा लोडिंग सीन। ठीक है, देन मैं ऐड करूँगा मेन सीन, देन मैं ऐड करूँगा गेम सीन। ओके राइट, सो ये हमने अपने क्या किया, सारे सीन्स जो हैं वो ऐड कर दिए। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो लोडिंग स्क्रीन शो हुआ, जिस तरह लोडिंग कंप्लीट होगी तो वो क्या हो गया, गेम सीन शो हो गया। ठीक है, उसके बाद जब मैं प्ले पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो आई एम क्लिकिंग ऑन द प्ले, बट ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, सो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जब मैंने प्ले पे क्लिक किया, ओके राइट पॉइंटर, ठीक है, सो पॉइंटर डाउन, सो जब मैंने पॉइंटर डाउन पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या हुआ, गेम सीन जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, ओके राइट, सो ये हमने कम कर दिए। अब हम देखते हैं कि अब हमने अपने जो है वो क्या किया है, जो अपना सीन था उसको हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट चंक्स के अंदर। ठीक है, अब हम क्या चाह रहे हैं कि अब हम चाह रहे हैं कि अपने सीन्स के अंदर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करें। ठीक है, सो एक सीन से दूसरे सीन में डाटा लेके जाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इस सीन के अंदर। ठीक है, सो मेरे पास क्या है, दिस डॉट प्लेयर नेम। ठीक है, ठीक है, सो डेविड। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ इस प्लेयर नेम को मैं अपने गेम सीन के अंदर पास करूँ। ठीक है, सो इसके अंदर मुझे क्या करना है, दिस डॉट प्लेयर। ठीक है, अब मैं उसको कैसे गेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है कि आपने इस जगह पे आना है। ठीक है, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये दूसरा एट्रीब्यूट क्या है, वो डाटा का है। ठीक है, तो इधर मुझे डाटा एज अ ऑब्जेक्ट पास करना है। ठीक है, तो इस जगह मैं क्या करूँगा, प्लेयर नेम दिस डॉट प्लेयर नेम। ओके राइट, तो अब ये मेरा डाटा यहाँ से पास हो गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करना है, अब मुझे इस डाटा को गेट करना है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो ये हो सकता है दिस डॉट डाटा डॉट, ठीक है, गेट। ठीक है, गेट में मैं अपना इधर लिख सकता हूँ प्लेयर नेम। ठीक है, सो इससे क्या होगा, मुझे वो वाला डाटा मिल जाएगा। ठीक है, सो दूसरा तरीका क्या होता है, इधर एक फंक्शन होता है इनिट का फंक्शन, जो कि फेजर की तरफ से कॉल आउट होता है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, वो डाटा का ऑब्जेक्ट जो है वो पास आउट होता है। ठीक है, तो इस तरह मैं कर सकता हूँ दिस डॉट प्लेयर नेम इज इक्वल टू डाटा डॉट प्लेयर नेम। ओके राइट, सो इस प्लेयर नेम को हमने क्या किया हुआ, नीचे यूज़ किया हुआ है इस जगह पे। ठीक है, सो इस जगह पे हमने यूज़ किया, उसको इधर शो करवाया हुआ यूज़र के नेम के ऊपर। ठीक है, सो अब हम अगर देखें, ठीक है, सो वो डेविड जो है वो इस जगह पे शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, सो इसको अगर मैं चेंज कर दूँ, ठीक है, तो अब क्या हो गया, वो डेविड टू जो है उसके ऊपर शो हो रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये लॉन्च का जो है वो किस तरह वर्क करता है। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट को देखा है, सो अब हम देखें, अगर इधर मैं कर लूँ लॉन्च कर दूँ, ठीक है, सो अब क्या होगा, ये प्रीवियस सीन वैसे चलता रहेगा, उसके ऊपर एक न्यू सीन आ जाएगा। ठीक है, सो अब क्या हुआ, प्रीवियस सीन उसी तरह है, उसके ऊपर अब न्यू सीन आ गए। ठीक है, सो ये चीज़ है। सो अब मैं अगर दोबारा से प्ले क्लिक करूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, दोबारा से वही सीन जो है दोबारा से ऊपर शो हो गया। ठीक है, सो अब इस जगह पे अगर हम देखें तो एक हमें इशू आ रहा है कि एनिमेशन जो है वो इस नेम की एनिमेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, व्हाई यू आर क्रिएटिंग इट अगेन। ठीक है, सो इसके रीज़न क्या है, क्योंकि जब हम गेम सीन के अंदर गए हैं तो इस जगह पर जो हम एनिमेशन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो एक टाइम तो हमने एनिमेशन बना दी, वो जब नेक्स्ट टाइम दोबारा से उसको क्रिएट करेगा वो दोबारा से एनिमेशन बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये डबल डबल एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो रही है, इस वजह से वो क्या हुआ, उसने वार्निंग दी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस एनिमेशन को भी यहाँ से कट आउट कर देंगे। ठीक है, और इन एनिमेशन को भी लोडिंग सीन के अंदर ले देंगे, क्योंकि लोडिंग सीन तो हमेशा एक बार ही कॉल होगा। ठीक है, तो इसके क्रिएट के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी सारी एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो यानी कि हमने अपना जो लोडिंग का सीन है, जो भी लोडिंग का काम है, ठीक है, वो सारा हमने कहाँ करना है,
इसके अंदर, ठीक है, प्रीलोड के फंक्शन, जो भी एनिमेशन से रिलेटेड काम है वो क्रिएट के अंदर, ठीक है। सो ये चीज़ें हमने करनी है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ना कुछ लोडिंग बार शो करवाऊँ अपनी लोडिंग स्क्रीन के अंदर, ताकि मुझे पता लगे कितना स्क्रीन कितना जो है वो लोडिंग हो गई है, ठीक है। सो जस्ट ये नहीं कि मैं सिर्फ टैक्सी शो हो, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, लेट लोडिंग बी जी इज इक्वल टू दिस डॉट एंड डॉट रिक्टेंगल, ठीक है, और 50 दिस डॉट गेम डॉट कन्फिग्रेशन डॉट हाइट -50, ठीक है। उसके बाद दिस डॉट गेम डॉट कन्फिग्रेशन डॉट विड्थ विड्थ, ठीक है, -100, ठीक है, और इसके मैं 30 हाइट रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिल कलर जो है मैं कोई डार्क सा कलर रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद इनिशियल जो है विड्थ वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा बैकग्राउंड बार, ठीक है। उसके बाद मुझे इसका ओरिजिन सेट करना है, ठीक है, सेट ओरिजिन, ठीक है, इसको कर देना है 0, इसको कर देना है 1, ठीक है, डॉट सेट ओरिजिन, ठीक है, इसको कर देना है 0, इसको कर देना है 1, ठीक है। और ओरिजिन्स जो है ये ऑलरेडी हमने देखा है कि किस तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा था कि ये जो 50 है ये इसकी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो, ठीक है। सो इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया, अदरवाइज ये क्या होगा, 0.5 होगा, जो कि सेंटर से स्टार्ट होगा, तो वो और डिफरेंट लगेगा। तो मुझे चाहिए कि बिल्कुल ये लेफ्ट से स्टार्ट हो, ठीक है। सो ये काम हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये लोडिंग बार जो है ये इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती जाए विद इन द टाइम जिस तरह लोड होता रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, दिस डॉट लोड डॉट ऑन, तो इससे का भी हमें फंक्शन जो बताना है, ठीक है। इसका नाम है प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस में क्या होता है कि वो वैल्यू में पास कर देता है कितनी प्रोग्रेस हो गई है लोडिंग में, ठीक है। सो वो हमें पता चल जाता है कितनी चीज़ें लोड हो चुकी हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, लोडिंग बार, ठीक है, डॉट सेट दिस सेट साइज, ठीक है, सेट साइज, ठीक है। सो इस जगह पे मुझे क्या करना है कि दिस डॉट गेम डॉट कन्फिग्रेशन डॉट विड्थ -100 स्टार क्या है, वैल्यू, ठीक है, और 30, ठीक है। सो मुझे क्या करना है कि इसकी जितनी विड्थ है उसको वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। वैल्यू को मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ ताकि पता चल जाए कितनी वैल्यू आ रही है मेरे पास, ठीक है। सो ये क्या करेगा, जब जब कुछ प्रोग्रेस होगी वो उस इस फंक्शन को जो है वो कॉल आउट करता रहेगा, ठीक है। सो ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। इस साइड पर आप देख सकते हैं क्या हुआ, वो इसको कॉल कर रहा है, पहले 0 से स्टार्ट हुई और एंड पे ख़त्म होगी, ठीक है। सो अब अगर हम देखें, ठीक है, अभी आई थिंक वैल्यू सेट साइज दिस डॉट गेम डॉट कॉन्फ़िगरेशन माइनस विड्थ मल्टीप्लाई, इसको वर्क तो करना चाहिए, सेट साइज, अच्छा इससे अगर हम नेटवर्क में जाएं तो हम यहाँ पे जाके इसको स्लो 3G कर सकते हैं ताकि हमें पता लगे कि लोडिंग वाकई हो रही है कि नहीं, ठीक है। सो अब अगर हम देखें तो हम ये सारी चीज़ें इस तरह वर्क करेंगी, जिस तरह ये स्लो 3G के ऊपर चल रही हैं तो थोड़ा स्लोली स्लोली लोड होंगी, ठीक है। नहीं, इसमें इशू आ रहा है कि वो लोडिंग जो है वो साइज़ उसका प्रॉपरली सेट नहीं हो रहा, ठीक है। सो आई थिंक इसमें जो है वो इशू, गेम लोड कॉन्फ़िगरेशन माइनस मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू, ठीक है। सो इसमें हम सेट साइज विड्थ और हाइट बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको रिक्टेंगल कन्फिग्रेशन माइनस हाइट, ठीक है, 0, ठीक है, इसको मैं हाइड करूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मैं नेटवर्क में जाके इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, ओके। तो आई थिंक जो ये बैकग्राउंड कलर है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो ब्राइट है, ठीक है। तो इसको मुझे थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा, सो इस वजह से वो जो है वो जो लोडिंग बार है वो प्रॉपरली नज़र नहीं आ रही थी, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, ओके, राइट। सो अब जो है वो बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर भी सेम है तो इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा था,
ठीक है, अब करेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है, ओके राइट। सो ये हो गया हमारे पास किस तरह हमने लोडिंग स्क्रीन ऐड की। इसी तरह आप कोई लोडिंग टेक्स्ट भी ऊपर ऐड कर सकते हैं, यानी लोडिंग 0%, 10%, ठीक है। आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यूज़ को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सो वो हमारे पास आ जाएगा कि ये कितनी परसेंटेज हो गई है, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, इस जगह पर लॉन्च नहीं करना है, इस जगह पर हमें क्या करना है, स्टार्ट ही करना है, ठीक है। सो लॉन्च वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं जब हम गेम ओवर सीन जो है वो उस सीन के ऊपर शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम स्कोर पास करके उसके ऊपर वो शो करवा सकते हैं, तो प्रीवियस सीन जो होगा वो बैक पे रहेगा, ठीक है। उस सीन को हम पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो प्रीवियस सीन है वो पास नहीं है, उसको हम पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं जो हम डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अभी हमने देखा है कि किस तरह हम डिफरेंट सीन्स वगैरह हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, अपने कोड को काफ़ी हद तक जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर दिया, काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया, मैनेजेबल कर दिया, कि अब जब भी मेरे पास गेम सीन में इशू आएगा तो मैं डायरेक्ट इस हिस्से में आऊँगा, ठीक है। तो इधर से मुझे पता लग जाएगा कि किस चीज़ में इशू आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, ठीक है। सो इस हिस्से को हम मज़ीद भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है ना, ये बर्ड जो है ना, क्या करना है, बर्ड के लिए मुझे एक अलग से जो है ना वो बनाना है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो है ना क्लास बन जाए बर्ड की, ठीक है। मुझे 3-4 बर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर जाके कंपोनेंट्स का एक फोल्डर बना के कंपोनेंट, इसको एज अ कंपोनेंट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, इम्पोर्ट फेजर, ठीक है, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है, क्लास बर्ड, ठीक है। एक्सटेंड कर देते हैं हम किसको, फेजर डॉट गेम ऑब्जेक्ट्स डॉट स्प्राइट, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसके अब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक तो सीन चाहिए, ठीक है, एक्स पोजीशन चाहिए, वाई पोजीशन चाहिए, ठीक है, बस ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सुपर को कॉल करना है, ठीक है। सुपर में सबसे पहले सीन पास होगा, ठीक है, एक्स पोजीशन पास होगी, वाई पोजीशन पास होगी, उसके बाद जो टेक्सचर पास होगा, टेक्सचर मुझे पता है कि वर्ड 01 है, ठीक है। इसको अगर मैं वेरीफाई भी कर दूं, वर्ड 1 है, ठीक है। सो वर्ड 1, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, उसके बाद मुझे क्या करना है, दिस डॉट प्ले, तो प्ले पे क्या करना है मुझे, ये बर्ड फ्लाई की एनिमेशन जो है वो प्ले कर देनी है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है कि ये मूव एनिमेशन जो है वो बर्ड के ऊपर चलानी है, ठीक है। तो इसको मैं कट करके इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें टारगेट मैं कर दूंगा दिस, ओके। सो ये चीज़ होगी हमारे पास, ठीक है। सो अब इस जगह पे दिस की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट सीन डॉट ऐड, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट सीन डॉट ऐड डॉट एग्जिस्टिंग, ठीक है, और उसके ऊपर दिस, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये जो बर्ड है, ठीक है, उस बर्ड को इस तरह नहीं करना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस जगह पे न्यू न्यू बर्ड, ठीक है। सो वो बर्ड से ऊपर इम्पोर्ट हो गया, इधर मैं करूँगा दिस, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसकी एक्स पोजीशन में डाल दूंगा 200, ठीक है, वाई पोजीशन में डाल दूंगा 400, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, बर्ड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो बर्ड है हमारा वो फ्लाई कर रहा है, ठीक है। अब इसमें इशू ये है कि वो बर्ड जो है वो अब इसमें इशू ये है कि हमारा जो वो बर्ड है उसका साइज़ जो है वो काफ़ी सारा बड़ा है, ठीक है। और उसके बाद एक इशू हो रहा है कि वो जो हमने इधर लिखा हुआ है दिस डॉट बर्ड डॉट, इसको दिस डॉट नहीं, सिंपल दिस डॉट, ठीक है, बर्ड तो डिफाइन ही नहीं है इधर, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसका स्केल जो है हमें थोड़ा सा कम करना है, दिस डॉट सेट स्केल, ठीक है। और मुझे स्केल को थोड़ा सा क्या कर देना है, इंक्रीज़ कर देना है, तो डिक्रीज़ कर देना है, तो इसको मैं 0.15 कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे एक्स इस जगह पे ना थोड़ा सा इशू हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर प्लेयर ने ऑलरेडी पोजीशन जो है वो 700 रखी है, तो वो उसके ऊपर ये एनिमेशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो मुझे क्या कर देना है, इसको प्लस इज इक्वल कर देना है कि मुझे 700 को प्लस करना है उस पोजीशन के अंदर, ठीक है। सो अब अगर हम देखें तो अब मैं इधर मल्टीपल बर्ड्स जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट बर्ड, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं बर्ड 3, बर्ड 2, बर्ड 3, ठीक है। लेट्स अब ये मैंने 204 पर किया है, इसको मैं कर देता हूँ 600 में, इसको मैं कर देता हूँ 800 में, ठीक है। इसको मैं 100 कर देता हूँ, इसको मैं 260 कर देता हूँ, ठीक है। तो हम हमारे पास तीन बर्ड्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं क्या हुआ है, तीन बर्ड्स ऐड हो गए, ठीक है। तो ये काफ़ी नीचे चले गए, इसको हम 600 में कर देते हैं, इसको 500 में कर देते हैं,
है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, बर्ड साइड हो गए, ठीक है। तो इसी तरह आप किसी भी चीज़ को इस तरह कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, इस जगह पे जाके कंटेनर्स पे एक्सटेंड कर दें, ठीक है। इधर गेम ऑब्जेक्ट्स डॉट कंटेनर, ठीक है, ठीक है। अगर आप कोई ग्रुप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ग्रुप को एक्सटेंड कर दें, ठीक है। अगर आप इमेज यूज़ कर रहे हैं तो इमेज को एक्सटेंड कर दें। अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे में हमारा कोड मज़ीद जो है वो ऑप्टिमाइज़ हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हमारे पास बेहतरी आई है, वो ये आई है कि अब हम किसी भी चीज़ को अगर हमने यूज़ करना है, ठीक है, सो अब मैंने इसको कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। तो अब मुझे अगर मसला आएगा तो वो इस जगह पर मैं रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। उस जगह पर मैंने सिर्फ इसको यूज़ किया है, ठीक है। सो ये चीज़ है जिसको हमने इम्प्रूव किया है। तो इस तरह हम अपने कोड को बेहतर कर सकते हैं। मुझे इस चीज़ को, बर्ड को कहीं भी यूज़ करना है, मैं इस कंपोनेंट को ऐड करूँगा वो यूज़ हो जाएगा। चाहे मुझे एक दूसरे डिफरेंट सीन में भी ऐड करना है तो वहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह हम अपने कोर्स को कंपोनेंट्स में और सीन्स में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट थीम्स के अंदर स्टेट्स को जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं। थैंक यू। सो इस लेक्चर में हमने काफ़ी सारा सीखा है सीन्स के बारे में, स्टेट्स वगैरह बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।